14वें और अंतिम अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वें अध्याय के सार की, बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्य के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से तीन तीन भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही होते हैं। साथ ही इस पूरे गीता ग्रंथ का सार और निचोड़ भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा। इसलिए आपको इस अध्याय को आखिर तक बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए मित्रों, विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास तथा त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं जिसका अर्थ है परित्याग करना। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वो है जो कर्म में संलग्न रहता है लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। इस अध्याय को अगर हम दो भागों में बांट कर देखें तो इस अध्याय के प्रथम भाग में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे प्रश्नों का समाधान देते हैं और इस अध्याय का जो द्वितीय भाग है उसमें बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पठन से, चिंतन से, अध्ययन से, लोगों को इसके बारे में बताने से क्या क्या लाभ होते हैं। आहार के बारे में, तप के बारे में, यज्ञ, दान और श्रद्धा के बारे में कितने प्रकार के वर्गीकरण हैं सब बताए भगवान श्री कृष्ण ने। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है और अंत में अर्जुन भगवान को सूचित करता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनी सूदना। अर्थात, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूं। हे केशिनी सूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम
सन्यासम कवयो विदुह सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अर्थात परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हे अर्जुन, कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मुझसे त्याग और सन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो, क्योंकि त्याग जो है वह तीन प्रकार का होता है और उसे समझना बड़ा आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषीणाम्। अर्थात यज्ञ दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तप वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ तप और दान ही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग दे कि ये कर्म ही दुखों के कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी भी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो इस त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य से ना तो प्रेम करता है और ना ही घृणा करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह पांच तरह का होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं द्वारा और विधि के विधान अर्थात भगवान के द्वारा। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म के ये पांच कारक होते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले तीन कारक हैं। कर्ता, कारण और क्रिया, ये तीन तरह के कर्म संग्रह हैं। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये तीनों भी तीन तरह के होते हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह राजसिक ज्ञान है। और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है, अर्थात शास्त्र और धर्म सम्मत नहीं है, वह तामसिक ज्ञान है। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सतोगुणी प्रकृति के होते हैं।
जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं, और जो कर्म मोहवश होकर किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामसिक प्रकृति का कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी तीन तीन तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी तीन तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख कहलाता है। यह आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, यह सात्विक सुख शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजसिक सुख है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तामसिक सुख होते हैं। ये सुख आदि से लेकर अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप बांटा गया है, ना कि इनके जन्म के अनुसार। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन, यह सब क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गौपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। किसी भी प्रकार के श्रम और सेवा शूद्र लोगों के स्वाभाविक कर्म हैं। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुणों वाला हो, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाना चाहिए, और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है वह अब मैं तुझसे सारांश में कहूंगा। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत में वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का आभास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एक रस होने का अधिकारी है। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति संभाव रखता है। ऐसा परम योगी
मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा, और अगर अहंकार के वश में आकर तू इस तरह से बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो तू अपने धर्म कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूं, इसलिए तू सब मोह को छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी से तू मुझ में भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, मैंने पूरा रहस्य और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। हे अर्जुन, एक बार फिर से मेरा परम उपदेश सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हे अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी है और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं और परमात्मा में दोष निकालते हैं। परंतु वे जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को प्राप्त होते हैं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। और साथ ही वे जो इस अति गुप्त और रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे मेरा अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम में आएंगे। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, अब मुझे बताओ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मुझे सुना? हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उठकर बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं दुविधा और शंका से मुक्त हूं, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जो इंसान भगवान श्री कृष्ण की इन बताई गई बातों का अनुसरण करता है, इस भगवत गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसकी न केवल संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है, बल्कि उसे जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का तरीका भी पता लग जाता है। हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक देखा कि किस तरह अर्जुन अपनी समस्याओं में उलझकर
अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और फिर खुद को तन मन धन से भगवान को समर्पित करके उनकी शरण ग्रहण करता है और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान भी मांगता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि भगवद गीता सिर्फ हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं, गुणों और आचरण से ब्राह्मण होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान पर हर उस मनुष्य का अधिकार है जो परमात्मा में विश्वास रखता है। मित्रों, आज की यह दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक ही है, इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकें। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।